हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी क्लब्स फॉर यू। तो बहुत दिन बाद में आज आप लोगों के लिए फिर से दोबारा मतलब वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि इतने दिन तक मेरी कुछ तबीयत खराब थी या फिर स्किन भी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, एक्ने प्रॉब्लम। तो अभी मेरी स्किन में एक्ने के लिए ट्रीटमेंट चल रही है, एकदम प्रॉपर एक एक्ने ट्रीटमेंट। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी दिन तक कुछ भी केमिकल वगैरह मैं मेरे फेस के ऊपर नहीं यूज़ कर पाई। अच्छा छोड़ो, वो उसके बारे में मैं बाद में आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी सब कुछ। तो आज की ये जो लुक है ना, ये देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कौन सा लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। तो गंगूबाई जो फिल्म जो, या फिर जो आलिया भट्ट का जो नया लुक है ना, वो मैं आज क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नया आया हूँ, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, मैं मेरे इस चैनल में ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी हैक्स या फिर मेकअप ट्यूटोरियल ऐसा वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर छोटा सा एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करके रखना, ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सको। और किसी को अगर मेरे सोशल साइट में फॉलो करना है तो मैं मेरे सोशल साइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, जाके चेकआउट कर लेना। सारे प्रोडक्ट की लिंक आप लोगों को इंडिविजुअली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। तो चलो ज्यादा बातें ना करके आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बारी आती है स्किन को तैयार करने के लिए, एकदम मेकअप के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मैंने आज स्किन केयर के लिए रोज टोनर एंड सीरम एंड मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैं एक प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर के यूज़ करने के बाद मैंने एक इनसाइड की कलर करेक्टर में से ऑरेंज शेड को लेते हुए मैं मेरे सारे डार्क स्पॉट को हाइड करने की कोशिश करूँगी। पता नहीं कितना हाइड कर पाऊँगी, लेकिन आई होप कि सारा डार्क सर्कल मतलब हाइड हो जाए। उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, शुगर की स्टिक फाउंडेशन। फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, और आज ये ब्लेंडिंग पता नहीं कितना अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि रिसेंटली ना मेरी दांत में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो उसकी वजह से मेरे गाल पूरा का पूरा मतलब क्या बताऊँ आप लोग को, बाद में आप लोगों के साथ वीडियो बना के सब कुछ शेयर करने वाली हूँ मैं। ओके, तो मैं भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को। बहुत ही दिक्कत हो रही थी ब्लेंड करने में, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। उसके बाद उसी पैलेट में से एक लाइटर शेड को लेते हुए मैं कंसीलर की मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी, ताकि जो भी और भी सारे जो भी डार्क स्पॉट दिख रही है वो भी हाइड हो जाए। अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद उसी पैलेट में से एक ब्राउन शेड को लेते हुए, डार्क ब्राउन शेड को लेते हुए मैं कंटूर कर लूँगी अपने फेस को अच्छे से, जहाँ जहाँ पर भी यूजल पॉइंट है कंटूर की। तो लगाने के बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो मैं और भी बहुत सारा ट्रेंडिंग मेकअप ट्यूटोरियल में आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। अभी यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का एक कंसीलर मैंने यहाँ पे यूज़ की है। उसके बाद मैंने इनसाइड का HD लूज पाउडर मैंने यूज़ की है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, मेरे फेस को सेट करने के लिए। उसके बाद मैंने आज आई मेकअप के लिए शुगर की एक आई शेडो पैलेट में से इन दोनों शेड को यूज़ करने की कोशिश की है। पहले एक लाइट ब्राउन शेड को मैंने लेके अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने जो डीप जो ब्राउन शेड जो शेड है उसको लेके मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ली है। उसके बाद काजल के लिए मैंने यहाँ पे मिलाओ की एक वाटरप्रूफ जेल लाइनर की मदद से मैंने काजल को आज फिल की है। उसके बाद एक अच्छे से एक ब्रश की मदद से स्मच कर लूँगी, और ब्राउन शेड को भी नीचे अच्छे से स्मच कर लूँगी जो मैंने ऊपर में यूज़ की थी। उसके बाद मैंने आईब्रोज के लिए भी मैंने मिलाओ की एक ब्राउन शेड मैंने आज यूज़ की है मेरे आईब्रोज को फिल करने के लिए, और आज मैंने कोई भी स्पूली ब्रश मैंने यूज़ नहीं की है। एंड अभी मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस्टर ऑल ऑफ मिलान की वॉल्यूमिजिंग मस्कारा, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। आप लोगों को भी पता है मैं हर एक वीडियो में मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, जो अभी पूरा का पूरा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं और एक परचेस करने वाली हूँ। ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है NOAB का एक ब्लशर, शेड नंबर जो भी होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मैं कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। एंड फेसिस कनाडा का
फिक्सिंग स्प्रे को लेके मैंने मेरे मेकअप को सेट कर ली है। उसके बाद मैंने शुगर के हाइलाइटर को लेके मैंने मेरे फेस को हाईलाइट कर ली है सारे यूजल पॉइंट में, ब्राउ बोन, इनर कॉर्नर एंड जो भी है मैंने सारे यूजल पॉइंट पे मैंने हाईलाइट कर ली है। एंड लास्टली जो गंगूबाई का जो मतलब क्या बोलते हैं एक प्लस गंगूबाई ड्रॉ कर मैंने देखी थी, सब लोग जो भी कर रहे एक प्लस वो ड्रॉ कर रही है तो मैंने भी करने की कोशिश की है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया शुगर की एक लिप क्रेयॉन, जो भी शेड नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी मैं। एंड लिपस्टिक को देते हुए मैं मेरी लुक को आज कंप्लीट करने वाली हूँ। आप लोगों को आज का लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। 100 में से आप लोग इस लुक को कितना देना चाहते हो, प्योर गंगूबाई लग रही हो या फिर नहीं, या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।